जाम लगा हुआ है, आज तो बहुत लेट हो जाएगा। तो अब मैं फाइनली हुमायूं टूम आ चुकी हूँ और ये बहुत बहुत पीसफुल लग रहा है। यहाँ पर आकर बहुत खूबसूरत जगह है। ये सभी फॉसिल्स हैं, ईसा खान के मकबरे की खुदाई के टाइम पर मिले थे। ऐसे ही फॉसिल से पता लगाया जाता है कि पहले के टाइम के लोग कैसे रहते थे और वो किस तरह के सामान अपनी निजी जिंदगी में इस्तेमाल करते थे। और ये टाइल्स हैं जो दीवारों पर लगाई जाती थी उस टाइम पर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऐतिहासिक टाइल्स। दिल्ली का हुमायूं टूम देखने में जितना खूबसूरत है उतनी ही दिलचस्प उसके पीछे की कहानी भी है। आगरा का ताजमहल भी इसकी बनावट जैसा है। मुगल शासक हुमायूं की पत्नी हामिदा बानो बेगम के कहने पर पारसी आर्किटेक्ट मिरक मिर्जा गियाथ ने इसका नक्शा बनाया था। हुमायूं के अलावा मुगल शासकों के रिश्तेदारों के करीब 150 कब्र इसी हुमायूं टूम में है। जब भी बदकिस्मत बादशाह की बात होती है तो सबसे पहले हुमायूं को याद किया जाता है, लेकिन इनकी किस्मत भी अलग थी। ये जीते जी दर दर के ठोकरे खाते रहे, लेकिन मरने की बात इनकी याद में जो मकबरा बना वो किसी भी और मुगल बादशाह के लिए बने मकबरों में सबसे ज्यादा आलीशान रहा। हुमायूं की डेथ के 9 साल बाद ये मकबरा बन के तैयार हुआ। हुमायूं के मकबरे में हुमायूं की कब्र के पास हामिदा बानो की कब्र भी है। यहाँ पे शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह की कब्र है और इसके अलावा यहाँ कई राज दरबारियों की कब्र भी है। हुमायूं टूम एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ एक बार आने के बाद आपका वहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। लेकिन मुझे अपनी दूसरी डेस्टिनेशन इंडिया गेट भी तो जाना था, तो इसलिए मुझे वहाँ से रवाना होना पड़ा। ओ क्या हुआ।
और ये दांत मारने में को डर।